स्वागत है फ्रेंड्स। भारत मैच की वीडियो आ चुकी है। कोई भी काम शुरू करने से पहले आप अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, वरना इस तरीके से भी हो सकता है आपके साथ, आपका चेहरा पूरा काला हो सकता है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको कारों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कार मैकेनिक के नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, कार मैकेनिक चैनल का नाम है। तो वीडियो शुरू करते हैं और सुनते हैं बबलू भाई को, फुल जानकारी बबलू भाई देंगे। हाय गाइस, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बोला था आपके लिए भारत व्यंज का वीडियो लाएंगे, तो ये हम आपके लिए लाए हैं भारत व्यंज का वीडियो, क्योंकि हम आज डाल रहे हैं क्लच पेट इस गाड़ी में। ये जो खुले चालू ऊपर की तरफ, ये हमारे इस गाड़ी का सेंसर है। देखिए भाई, आप देख सकते हैं गियर बिल्कुल अलग है, जो अपने लीलैंड और एमडब्ल्यू ईटन का जो आता है गियर 1150, उससे भी थोड़ा सिस्टम अलग है इसमें, पूरी बनावट वगैरह। और ये हमारे सेंसर है इसका, एच गियर का, गियर की लंबाई वगैरह तो सेम ही है, लेकिन थोड़ा सिस्टम अलग लग रहा है, जिसमें स्पेशल टूल इसके भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब इसमें पाइप देख सकते हो दो टोपे में, ये हमारे उस्ताद है इस गाड़ी के, जो इस गाड़ी को बलगर को चलाते हैं भारत बेंज को। ये अभी ऊपर से खोलते हुए चद्दर हटा के 21 के नंबर साफ के तो बोल्ट है, साफ तो सेम ही है। देखिए वर्दी अलग है बिल्कुल, जो हम अभी किसी सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बंडी है, हेलमेट है, सेफ्टी शूज तो वैसे ऑलरेडी हम पहनते हैं। और ये क्लच सिलेंडर है, ये भारत बेंज का क्लच सिलेंडर है, ये यहाँ पे क्लच सिलेंडर है, ये गियर बॉक्स ओपन कर रहे हैं अपन। भाई इस गाड़ी में एक सिस्टम थोड़ा अलग है, जैसे हम छोटी गाड़ी में 4-7 में क्लच पेट डालते हैं, इंजन फ्री करना पड़ता है हमें जेक लगा के, वैसे इसमें है। इसमें एक ये क्रॉस मेंबर है, जो इसको हमें हटाना पड़ेगा, वरना हमारी गियर उतारने की ट्रॉली लग नहीं पाएगी। इस क्रॉस मेंबर के 6 बोल्ट हैं, 6 साइड में 12 बोल्ट हमें खोलने हैं। उसे निकालने का थोड़ा तरीका बिल्कुल अलग है, जो भी हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो जो भी हम सब्सक्राइब नहीं किया उसे प्लीज़ भाइयों हमें सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, जो हम आज आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो डालते रहें। देख सकते हैं बिल्कुल वर्दी बिल्कुल चेंज है, ये विजिटर 6 नंबर है। सीमेंट फैक्ट्री में गाड़ी आउटसाइड खड़ी है, बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुकी थी। ये क्रॉस मेंबर निकालने के बिल्कुल साइलेंसर वगैरह हमें बिल्कुल जगह करनी पड़ती है, वरना ये क्रॉस मेंबर बिल्कुल फिक्स आता है, दोनों साइड में कबनियाँ हैं, हिसाब से हमें ठोक के निकालना पड़ता है इसको इस तरह से। देख सकते हैं साइलेंसर बिल्कुल अलग कर दिया है, ऐसे हेमर से आपको उसको चोट मार मार के और उसे तिरछा करके निकालना पड़ेगा, तो सीधा तो हम क्रॉस मेंबर निकाल नहीं सकते। ये देखते थे बिल्कुल प्रेशर पाइप है, इसमें सेंसर है जी बिल्कुल अलग है। अभी तक हम क्रॉस मेंबर ही निकाल रहे हैं भाई, बिल्कुल अजीब है क्रॉस मेंबर ही, जो हमेशा तिरछा करके निकालना पड़ता है सीधा, तो आपको पहले बताया कि निकल, ये इस तरह से निकलता है, ये इस तरह का क्रॉस मेंबर है थोड़ा आपका। ये इंजन है, इस तरह का इंजन है भारत बेंज का सेंसर वाला, और पीछे एक है सबसे बड़ी 6 सिलेंडर इंजन है भारत बेंज का। इस तरह से आप हाउसिंग के भी, हाउसिंग पर आप जेक लगाना पड़ेगा, और एक सेफ्टी के लिए हमेशा एक टामिर के लिए लगा लीजिएगा, जो नीचे जेक से अगर जेक भी कुछ हो जाए खुदा न खास्ता, तो वो टामिर से अपना इंजन पीछे टुक जाएगा। ये ट्रॉली लगा चुके हैं, ये हमारी ट्रॉली गेयर उतारने वाली, इसमें सिस्टम थोड़ा अलग है। इसमें भाई पहले बताया था आपको मैंने कि इसमें इंजन फ्री करना पड़ता है, क्योंकि हाउसिंग को देखिए बीमारी है, इसमें क्लच बेयरिंग पूरा ख़त्म हो जाए, जो क्लच पूरा काम नहीं कर रहा था। इसको देख सकते हो बिल्कुल छर्रा आपको नज़र आ रहा है, प्रेशर प्लेट देख सकते हो आप बिल्कुल प्राइमा टाइप की, अयूब को प्यास लगी हुई है, पहले अयूब पानी पिएगा फिर उसके बाद का। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमें लग रहा था कि ऐसे बरसात होगी। ये है क्लच बेयरिंग, बिल्कुल अलग है, जैसे ना तो प्राइमा का ना महिंद्रा का सिस्टम, बिल्कुल अलग है इसके अंदर। जैसे हमारे 75 में क्लच, ये इसमें क्या उल्टे खींचने वाला, जो प्राइमा में सिस्टम है वही क्लच का इसमें भारत बेंज में भी सिस्टम है। बस बेयरिंग को कैसे निकालते हैं और कैसे फिट करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे अभी आगे,
ये प्रेशर बेड का डाया 17 इंची है इसमें, 15 जैसे हमने लिलियन में 17 इंची जैसे प्राइमम आता है वो सेम ही डाया इसके इसी के अंदर है। जैसे आप देख सकते हो फ्रावल तो एकदम कंप्लीट दिख रहा है, फ्रावल बहुत मजबूत है इसका। क्लच पेड को हम देखते हैं अभी निकाल के क्या पोजीशन है, अगर वो डाउन होगी तो उसको हम नहीं डालेंगे। ये क्लच पेड है एक, इसमें ये भी देख सकते हो इसे टॉप वाला, वो भी हम आपको बताएंगे जीरियो का फ़र्क। ये लेदर, लेदर तो चलो डाउन दिख रहा है अभी थोड़ा। ये है डाप टॉप का डाया देख सकते हो, बिल्कुल बारीकी पूरी है, स्पेशल टूल 14 नंबर बिट बॉक्स बैठता है। कभी आप भी जाओगे इसको ध्यान रखिएगा, भारत बेंज में फ्रावल कोल्ड में इस टाइप की गोटी आती है स्पेशल। ये 14 mm का जो बीट है वही आप लगा कर इसको फ्रावल को बोल्टो खोल सकते हैं। ये फ्लाइल बेरिंग है, फ्रावल तो हमें अभी सही थे। ये है क्लच फिट, ये देख सकते हो जीरियो का फ़र्क, साइज़ तो सेम है प्राइमा की लेकिन इसमें ये जीरियो का फ़र्क है। जैसे प्राइमा में टॉप के जो दांत दांत वो क्या थोड़े चौड़े होते हैं और इसमें थोड़े सकड़े हैं पतले। बेरिंग का तरीका हमारे बताओ, ये है तरीका, ये पतली लोक है इसको निकाल कर आप बेरिंग बाहर निकाल सकते हो और वापस अंदर लगा के, और ये पतली लोक का ध्यान रख, लोक का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये नई प्रेशर प्लेट हम डाल रहे हैं, ये थोड़ी डैमेज लग रही थी हमें जो, ये नई डाल रहे हैं। बेरिंग भी नया है एकदम बिल्कुल कम्प्लीट। हम इस भाई इसमें सबसे बढ़िया बात है फिंगर की कोई बीमारी नहीं है, आप देख सकते हो डायफ्राम वाली प्रेशर प्लेट लाइफ कंपनी की है, कंपनी के साथ में भी लाइफ ही आती है। क्लच बेड भी हम नहीं डाल रहे हैं, ये भी लाइफ कंपनी की है, लाइफ बेटर है। वो जो भारत बेंज जो कंपनी के साथ आती है वो भी लाइफ ही है, अभी लाइफ ही निकली थी इसके अंदर। ये इसमें डाया वगैरह सब बता रखा है कौन सा डाया है, 17 इंची जैसे मैंने आपको बताया था इसका डाया। ये क्लच बेरिंग है, सिस्टम इसमें यही होगा कि बिल्कुल सूखा चलने से क्लच बेरिंग हमारा ख़राब हुआ है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से इसमें गियर में ब्रेक डाउन हो चुकी थी, गियर बिल्कुल अंगेज हो ही नहीं रहे थे स्टार्ट में। ये बरसात भी आ चुकी है और हम बरसात में भी काम करते हुए, क्योंकि इस फैक्ट्री का नियम है कि अगर हमने गेट पर अगर एंट्री की तो शाम को 5 बजे से पहले हमें काम बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा वरना अगले दिन पर जाएगी, इसलिए हमने बरसात में भी काम कर रहे हैं जिससे गाड़ी वाला का भी जल्दी काम निपटे और अपन भी जल्दी निपटे। छोड़ो, देख सकते हो आप ये बिल्कुल बरसात के अंदर काम करता हो, इस तरह से आप क्लच बेड फिट करो, ध्यान रखिएगा बहुत हेवी है, वजन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, जैसे आप बोल मिला सकते हो बिल्कुल। 16 नंबर बोल्ट आते हैं इसके लंबे वाले, वही है जो महिंद्रा, इनमें महिंद्रा में भी आप देख सकते हो अभी जो हेवी गाड़ियाँ है सब में डायफ्राम सिस्टम चल रहा है, जो पहले अपने लिलियन में आता था 48 में, अब कंपनी ने शायद वो सिस्टम वो वापस चालू किया है। ये गियर पर खोलने का तरीका हम आप लोग को बताया था कि इसमें इंजन में देख सकते हो आप बिल्कुल भी कोई हाउसिंग ये कान नहीं है इंजन गुटके वगैरह पीछे, तो इंजन ने अभी हमें आपको जेक पर लगा के टेर रखा, जेक पे लगा रखा है और बीच में हमने आपको बताया सपोर्ट के लिए वो टाइमी लगाई थी चैम्बर के यहाँ, जो उससे थोड़ा सहारा मिलेगा इसको, क्योंकि इसके इंजन के गुटके गियर पे लगते हैं, वो भी हम फिटिंग करेंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमने गुटकों को पहले फ्री करना है फिर ही आगे गियर उतरेगा इंजन फ्री करने का। सेंटर बनाने का भी आपको तरीका हम बताएंगे कि बिना टाप के भी आप बिल्कुल एक्यूरेट टाप का होल मिला सकते हो। कई बार होता है कि कोई आदमी सोचता है कि हम बिना टाप के कैसे क्या करेंगे, तो भाई बिल्कुल ये हमारे मिस्त्री आए हैं बबलू, ये देख रहे हैं ये होल मिला के प्रेशर बेड कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक 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 बोल्ट आप आहिस्ता आहिस्ता इसको पास लें जरा, और सेंटर इस तरह से आप पेच के लगा के बिल्कुल बोल्टों को टाइट कर सकते हो। बहुत देर बाहर की जितना कीचड़ हो चुका है, अब इसमें देखते हो ये चार जो नए प्रेशर पेड में चार वो सिस्टम के अंदर वो पत्ते दिख रही लोहे की, वो हमेशा निकालनी पड़ी है, पेचकस से निकाल रहा है इसको हमेशा निकालना है वरना ये लगी रहेगी तो फिर निकल के गिर जाएगी, हो
और फंस जाएगी, और इससे एल्यूमिनियम का अपना हाउसिंग दोनों एल्यूमिनियम के वो फट भी सकता है। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। नई प्रेशर प्लेट भी आप डालो तो ये पत्ते को जो निकालिए, अभी जो पेशकश है निकालिए। ये प्रेशर प्लेट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसे आप टाइट करोगे वो लोहे के तार के चार कोनों से निकल जाएंगे। इसकी टॉप ये है, इस क्लच बेयरिंग ये इस तरह से चलता है। इसमें दो रोलर बिन लगी हुई है बिल्कुल गोल। इसमें भी प्राइम वाला सिस्टम है, जो शार्ट आपने देखा होगा टाटा के 760 में, खींचने वाला सिस्टम है क्लच को, पुशनी है खींचने वाला है, उसी तरीका से ये बेयरिंग है इसमें। तो बेयरिंग इसी प्रेशर प्लेट में फिट रहेगा, क्योंकि हम इसको लगा नहीं सकते बाद में। यही सबसे अनोखी चीज़ है, जैसे प्राइमा में भी है, लेकिन प्राइमा में हम क्लच बेयरिंग ऊपर लॉक कर सकते हैं, लेकिन भारत बेंच में उल्टा सिस्टम है। हम प्रेशर प्लेट खोलने के बाद इस बेयरिंग को निकालेंगे, और प्रेशर प्लेट फिट होने के लगाने से पहले इसको फिट करना पड़ता है। हल्का सा बिल्कुल ग्रीसिंग कर दीजिए हाथ के अंदर, जिससे आपका क्लच बिल्कुल स्मूथ हो जाए और जाम नहीं हो क्लच। ये ग्रीस बहुत ज़रूरी है, ग्रीस बहुत, क्योंकि कई बार क्या बेयरिंग जाम हो जाता है तो क्लच क्या हो ओवरएज भी होने लग जाती है, गाड़ी क्लच स्लिप मारने लग जाता है, उससे क्लच पर हमारी खपत ज़्यादा होती है। इसका ध्यान रखिए, रोलर पिन पे भी लगा दिए, जिससे हमारा बेयरिंग खींचने में आसानी हो, उसको फिंगर को फंसने का काम ना हो। देखिए दोनों साइड में ग्रीस लगा चुके हैं, अब गियर अंदर चलाएंगे इसको। बहुत बड़ा गियर है, कृपया इसको सावधानी से खोलें, और हमेशा सपोर्ट का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि गियर लाइन ही ऐसी है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि हमें अपना ध्यान रखना है। देखिए बाहर कितनी बरसात हो रही है, पूरा कीचड़ हो चुका है नीचे, हम भी गीले हो चुके हैं पूरे। ये हम गियर को पास लेते हुए बिल्कुल इसका ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए गियर, इधर उधर लौटना नहीं चाहिए, वरना ये गियर गिर भी सकता है नीचे और अपने लग भी सकती है। इस तरीके से आप किस तरह से लात लगाते हो गियर बैठाते हो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम तो इसी तरीके से बताए, जैसे गाड़ी गियर में डाल के और इसको आप पुश कर सकते हो लात से, और आप किस तरह से बैठाते हो हमें कमेंट में बताइएगा, कि आप मशीन से बैठाते हो या क्रेन से बैठाते हो। ऐसे बैठे गियर हम ऐसे ही हमेशा ट्रॉली पर उतार के बिल्कुल लात लगा के, अब ये होलो का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब हाउसिंग पूरा बैठ जाए कॉलर में, तभी आप बोल्ट कसिएगा, वरना बोल्ट के सहारे आप इसको मिलाओ तो हाउसिंग अपना फट भी सकता है, और ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे गाड़ी वालों को भी नुकसान होगा और अपना भी, क्योंकि हमें भी अपना वापस खोलना पड़ेगा गियर। ये है जो हम गुटके की बात करें तो वो इस तरीके से आते हैं। ये तीनों बोल्ट 21 नंबर है जो खोलने पड़ेंगे। ये गियर लीवर बिल्कुल सीधा है, दोनों आपको ये एंड छुटाना है और ये लीवर अपना फ्री ऊपर से। ये गियर कम्प्लीट हो चुका है, सापट कसते हुए सेंसर वगैरह सब चीज़ कम मुकम्मल हो चुकी है गाड़ी में। अभी हम आपको बताएंगे कि कौन सी कंपनी में हम काम करने गए हैं। ये बलगर है सीमेंट का, सीमेंट फैक्ट्री है। वेलकम बैक गाइस, तो कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो? अगर आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली है और ये आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताइए कैसी लगी जानकारी। और इसी तरह की वीडियो और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हम इसी तरह की वीडियो डालते रहेंगे, और शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।